गुड मॉर्निंग टू बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम का टेस्ट के बारे में बताऊंगा। मतलब ये जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम का टेस्ट है, देखते हैं कितने बच्चों के क्वेश्चन इसमें सही जाते हैं। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पर, आपको समय में नष्ट नहीं करना चाहता। आइए देखते हैं टेस्ट, आज का टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर जो है ये यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। और ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन हम पहले ये लेगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये कहता कि भारत में होम रूल की स्थापना किसने की, ठीक है। तो आंसर महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या रेडमॉन्ड या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बताइए। भारत में होम रूल की स्थापना किसने की, बात करने किसकी, हम बात करें भारत में, यहाँ पर इंडिया की बात चाहिए, ठीक है। भारत में किसने की, तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक। फिर क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम, फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस, यहाँ पर होते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किस वर्ष हुआ। मतलब ये जो था हमारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस, प्लस कांग्रेस और किसके बीच, कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ। 1914, 1916 या 1925, बताइए। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता जो होता है वो हमारा 1916 में होता है। कब होता है, जब 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन जो होता है वहाँ पर होता है लखनऊ में, लखनऊ में होता है, ठीक है। और इन लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के भी समझौता हो जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के, दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है, बताइए। कि दिल्ली का प्रतिनिधि भारत के बीच बीच प्रतिनिधि में दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या रज़िया सुल्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। दिल्ली का प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है, तो आंसर लगाएंगे दिल्ली के प्रथम सुल्तान किसे कहा जाता है, मोहम्मद गोरी को या कुतुबुद्दीन ऐबक को या रज़िया सुल्तान को, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था भारत में, दिल्ली का प्रथम सुल्तान था वो हमारा इल्तुतमिस, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था हमारा इल्तुतमिस था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चार की बात करते हैं, लखनऊ पैक्ट कब आयोजित किया गया, भाई 1935 या फिर 1907, 1916 या 1912, बताइए। लखनऊ पैक्ट
कब आयोजित किया गया? कमेंट में बताइए जल्दी से। तो लखनऊ पैक्ट की बात कर रहे हैं, लखनऊ पैक्ट कब आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा 1916। सही है, कब क्यों सही है? लखनऊ अधिवेशन के, लखनऊ अधिवेशन के, लखनऊ सॉरी हाँ कि जो हमारे लखनऊ, हम बात करते हैं लखनऊ के, लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, फिर 1916 में होता है, फिर 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन, सही है। और इसमें ही और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का नरम के नरमपंथी और गर्मपंथी दल के बीच समझौता हो जाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच की। क्वेश्चन नंबर पाँच से कहता है, क्वेश्चन नंबर पाँच से कहते मदन मोहन मालवीय समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो समिति थी वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताइए मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में किससे संबंधित थी? मुख्य बंगाल के बंगाल विभाजन से, या फिर हमारा जलियांवाला कांड से, या भगत सिंह केस से, या फिर काकोरी कांड से, या भगत सिंह केस से? बताइए मदन मोहन मालवीय समिति का मदर, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा, मदन मोहन समिति का सही आंसर जो होगा वो जलियांवाला बाग, मतलब कहते हैं जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड, क्योंकि जब जलियांवाला कांड जो होता हमारा 1919 में होता है, ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस कांड की जांच कराई जिसमें भारतीय को दोषी पाया गया, लेकिन फिर बाद में गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति आयोजित की जिसने जलियांवाला कांड की जांच की, और मदन मोहन मालवीय समिति ने अंग्रेज जनरल लॉर्ड को दोषी पाया। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के, भारत में हुसैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर सिक्स के इसका आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, सीधे लगाएंगे हम कर्नाटका में, कहाँ पर हमारे कर्नाटका में हुसैन, सही है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव आ जाता है यहाँ पर, संस्कृत एक कलंदर की उपाधि निम्नलिखित में से किसे प्रदान की गई? जूम कर लेते हैं इसमें थोड़ा हो रहा है, सिकंदर एक कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? उसका आंसर होगा दारा के, दारा से को उसका आंसर होगा, ठीक है। फिर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करने में निम्नलिखित में से किसने अपनी भूमिका निभाई? तो आंसर बताइए, तो इसका आंसर जो होगा हमारा नैनी वैसा और तिलक ने या मोहम्मद अली जिंदा ने, ये सही है। इसका आंसर ये भी गलत होगा, ये भी गलत है। इसका आंसर जो है मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट है। फिर 1916 का जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का होता है लखनऊ में होता है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से मतलब इनके प्रयासों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के भी समझौता हुआ, साथ ही साथ नरमपंथी और गर्मपंथी भी हो गए। क्वेश्चन नंबर सात की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने शुद्ध अरबी भाषा का प्रयोग सिखों पर किया था? बताइए रजिया सुल्तान मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या बैरम शाह? तो इसका आंसर होगा हमारा इल्तुतमिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दस की अगर बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत की रचना का संकलन किया गया है? तो बाबा फरीद का, शेख हामुद्दीन नागौरी का, या अमीर खुसरो का, या निजामुद्दीन औलिया का? तो इसका आंसर ठीक होगा हमारा बाबा
फरीद का के बाबा के बाबा फरीद ने गुरु गुरु ग्रंथ साहिब में अपने वचनों का संबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि भारत में साइमन कमीशन आयोग के आने का समर्थन किसने किया। यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि मतलब भारत में साइमन कमीशन आयोग के आने का समर्थन किसने किया, मतलब उसको समर्थन दिया। तो मोहम्मद अली जिन्ना बकर मोहम्मद पूछ रहा है, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना या फिर मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना या गोविंद बल्लभ पंत या लाला लाजपत राय। ये तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा मोहम्मद शफी मुस्लिम लीग के लिए, जो हमारे मुस्लिम लीग के ऐसे नेता थे जो भारत में साइमन कमीशन के आने का समर्थन किया इन्होंने। क्योंकि ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, कैसे लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद।